नमस्कार, मैं साहब अली और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। बिहार में गरम सियासत के बीच आज आरएलएसपी के चीफ और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए थे अमित शाह के बुलावे पर, लेकिन अमित शाह से उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। उसके बाद बिहार के बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान के बाद से सियासत और गर्म हो गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को अपने बड़े भाई की तरह मानता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे नीच कहा है, जो ठीक नहीं है। मैं उससे बहुत आहत हुआ हूं। पटना में मीडिया कर्मियों से उपेंद्र कुशवाहा बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। इधर पटना में उपेंद्र कुशवाहा पर दिए गए बयान को लेकर के कुशवाहा समाज सड़क पर उतरा, जिसमें भारी विरोध देखने को मिला। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पर दिए गए बयान को लेकर के पटना में सड़कों पर भारी बवाल देखने को मिला। हालात ऐसे बन गए कि कुशवाहा समाज से पुलिस वाले और कुशवाहा समाज दोनों एक दूसरे में भिड़ गए। जो लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, हल्का फुल्का बल का प्रयोग भी पुलिस ने किया, लाठीचार्ज भी देखने को मिला। जिसके बाद पुलिस की तरफ से यह साफ कहना था कि प्रदर्शन में जो हंगामा किया जा रहा था, उसके विरोध में लाठीचार्ज हुआ। आपको बता दें कि जिला स्तर पर कुशवाहा समाज अब विरोध करने की बात कर रहा है। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इधर चिराग पासवान, जो कि एलजेपी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया पटना में कि उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार का जो बयान है, उसको लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि अब एलजेपी ने भी कुशवाहा को अलग थलग छोड़ दिया है, जिस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा विरोध कर रहे हैं, जिस नीतीश कुमार के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा अपना विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आहत हूं, उस पर एलजेपी के ओर से ये कहा गया कि नीतीश कुमार ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात होती है या फिर पिछली बार की तरह इस बार मुलाकात कैंसिल हो जाती है। क्या कुछ होगा, लाइव सिटीज आपको सबसे पहले अपडेट देगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।